पपीज और डॉग्स के बारे में एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है उनके काटने और चबाने की आदत। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डॉग्स की इस आदत को हम जड़ से कैसे काट सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पपीज आखिर ऐसा करते क्यों है। काटना पपीज की एक नेचुरल हैबिट होती है क्योंकि वो अपनी आसपास की चीजों को अपने मुंह से ही अनुभव करते हैं। देखा जाए तो एक पपी की आदतें एक ह्यूमन बेबी से अलग नहीं होती, जो एक्सपीरियंस करने के चक्कर में कुछ भी खा जाते हैं। पपीज अपने मुंह से ही चीजों को उठाते हैं, उनको महसूस और टेस्ट करते हैं, नाक से उसकी महक को समझते हैं और अपने दिमाग में उस चीज से एक संबंध बना लेते हैं। तो ये अनुभव उनके बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब सब कुछ एक्सपीरियंस करने के इस पीरियड में वो कई बार फर्नीचर चबा देते हैं, कपड़े काट देते हैं, जूते चबा देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे रोकने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ना तो उनका एक्सपीरियंस खराब होगा और ना ही आपका फर्नीचर। ये ट्रिक्स आप अपने बड़े डॉग्स के साथ भी आजमा सकते हैं, बस उन्हें सीखने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, तो इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। नंबर एक, अपने डॉग के साथ बाउंड्री सेट कीजिए। डॉग्स को अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत अच्छे से आता है। जब भी वो किसी और डॉग या पपी के साथ खेल रहे होते हैं और दूसरा पपी उन्हें थोड़ा जोर से काट लेता है तो वो चीखते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि उन्हें ये पसंद नहीं आया, और दूसरा पपी भी कुछ देर के लिए रुक जाता है। जब भी आप अपने पपी के साथ खेल रहे हो और आपका पपी आपको काट के खेलने की कोशिश करे तो आप जोर से चीख दें, हो सके तो दर्द में होने की थोड़ी एक्टिंग भी कर लें। चीखने के बाद तुरंत खेल शुरू ना करें। आपके पपी को ये समझने का मौका दे कि आपको उनके काट के खेलने का ढंग पसंद नहीं आया। नंबर दो, उन्हें चबाने लायक चीजें दे। अगर आप अपने पपी के साथ हाथों से खेलते हैं तो सबसे पहले ऐसा करना बंद करें। जब भी आप ऐसा करते हैं वो आपके हाथों को खेलने के साथ एसोसिएट कर बैठते हैं। अगर आपका पपी हाथों को काटने की या मुंह में डालने की कोशिश करता है तो आप अपने हाथ को उसके मुंह से हटा लें और उसके मुंह में कोई टॉय डाल दें। ये आपको कई बार दोहराना पड़ सकता है, लेकिन आखिरकार आपके पपी को ये समझ आ जाएगा कि आपके हाथ कोई खिलौना नहीं है। आप उनके लिए घर पे ही पुराने कपड़ों या सॉक्स से कोई टॉय बना सकते हैं या फिर स्टोर से कोई चू टॉय ला सकते हैं। इससे उन्हें बेधड़क चबाने को भी मिलेगा और आपके हाथ भी बचे रहेंगे। तीसरा, प्ले टाइम। पपीज में भर भर के एनर्जी होती है और जब वो इस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाते तब वो शैतानी करने लगते हैं, जैसे कि फर्नीचर को चबाना, कपड़े खाना, चप्पल खाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ऐसा बोरियत की वजह से भी करते हैं। ऐसे में उनकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने पपी को बहुत सारा आउटडोर प्ले टाइम दें। उसे एक ऐसी सेफ जगह ले जाए जहाँ वो खूब सारा दौड़ पाए। उसके साथ फेच या फिर कोई भी ऐसा खेल खेलिए जिसमें उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो और वो थक जाए। चौथा, मम्मी का नुस्खा अपनाएं। याद है बचपन में जब हम किसी ऐसी चीज को खाने लगते थे जो खाने लायक नहीं होती थी, मम्मी उस चीज पर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क देती थी ताकि फिर से हम उस चीज को मुंह में ना डालें। डोंट वरी, हम यहाँ किसी भी पपी को लाल मिर्च नहीं खिला रहे। अगर आपका पपी बार बार किसी चीज को चबा रहा है तो आप रुई में थोड़ा सा पानी और विनेगर मिला के उसे टेस्ट करा दें। डॉग्स को सिरका यानी कि विनेगर का खट्टा टेस्ट पसंद नहीं आता। अब एक स्प्रे बॉटल में आधा विनेगर और आधा पानी भर के रख लें। उसे हर उस चीज पे स्प्रे करें जिसे आप अपने पपी से बचाना चाहते हैं। विनेगर और पानी वाले इस स्प्रे को 2 से 4 हफ्ते के लिए डेली स्प्रे कीजिए, जिससे आपके पपी का दिमाग ट्रेन हो जाए कि इस चीज को चबाने के परिणाम बहुत ही खट्टे हैं। आप जब भी अपने डॉग के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं वो आपसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर इंटरैक्शन में वो आपसे कोई सही चीज सीखे। अगर आपके पास अपने पेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमसे कमेंट्स में पूछिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।